प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी क्षेत्र से सरकार की तरह विभिन्न क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने का आग्रह। बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता पर दिया जोर, कहा कि वोकल फॉर लोकल से घरेलू उत्पादन बढ़ा और साथ में निर्यात में हुई वृद्धि। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गर्म मौसम के प्रति तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक। प्रधानमंत्री ने ली रबी फसलों पर मौसम के प्रभाव और प्रमुख फसलों की अनुमानित उपज के बारे में जानकारी। सिंचाई, जल आपूर्ति, चारा और पेयजल की निगरानी के लिए जारी प्रयासों की भी हुई समीक्षा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में श्रेष्ठता हासिल करने के लिए किसान से लेकर इंडस्ट्रीज सब मिलकर करे काम। ICAR कृषि विश्वविद्यालयों व उद्योगों के सम्मेलन में कहा कि ICAR की तकनीकों से पारस्परिक लाभ प्राप्त करते हुए कृषि क्षेत्र सहित देश को लाभ दिलाना उद्देश्य। और देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि घरेलू खपत और निर्यात के बाद 70 लाख मीट्रिक टन चीनी का भंडार होने की उम्मीद। चीनी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर, लेकिन सरकार के नीतिगत हस्तक्षेप से घरेलू कीमतें स्थिर। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ साइमा खान और अब खबरें विस्तार से। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिदिन बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने आज विकास के अवसर पैदा करने के लिए वित्तीय सेवाओं की दक्षता बढ़ाना विषय पर वेबिनार को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और समावेशी दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है और आज भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्राइट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भरता का विजन एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है और इसके लिए देश में एक अभूतपूर्व उत्साह हम देख रहे हैं। इस वजह से घरेलू उत्पादन तो बढ़ा ही है और साथ ही साथ एक्सपोर्ट में भी वृद्धि आई है। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भरता का विजन एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भरता मिशन, इसके लिए देश में एक अभूतपूर्व उत्साह हम देख रहे हैं। इस वजह से घरेलू उत्पादन तो बढ़ा ही है, एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड वृद्धि आई है। सामान हो या सेवा का क्षेत्र, हमारा निर्यात 2021-22 में ऑल टाइम हाई रहा, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्र से सरकार की तरह विभिन्न क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने का भी आग्रह किया। उन्होंने खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता और उच्च शिक्षा क्षेत्र को विश्व स्तरीय बनाने को कहा ताकि भारत विदेशी मुद्रा बचा सके। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि आज समय की मांग है कि भारत की बैंकिंग सिस्टम में आई मजबूती का लाभ ज्यादा से ज्यादा आखिरी छोर तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि जैसे हमने MSME को सपोर्ट किया है, वैसे ही भारत के बैंकिंग सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा सेक्टर की हैंड होल्डिंग करनी होगी। आज समय की मांग है कि भारत के बैंकिंग सिस्टम में आई मजबूती का लाभ ज्यादा से ज्यादा आखिरी छोर तक, जमीन तक पहुंचे। जैसे हमने MSMEs को सपोर्ट किया, वैसे ही भारत के बैंकिंग सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा सेक्टर्स की हैंड होल्डिंग करनी होगी। महामारी के दौरान 1,20,00,000 MSMEs को सरकार से बहुत बड़ी मदद मिली है। इस वर्ष के बजट में MSME सेक्टर को 2,00,000 करोड़ का एडिशनल कोलेटरल फ्री गारंटीड क्रेडिट भी मिला है। अब ये बहुत जरूरी है कि हमारे बैंक उन तक पहुंच बनाए और उन्हें पर्याप्त फाइनेंस उपलब्ध कराए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 40 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वाले छोटे दुकानदारों को पहली बार बैंकों से मदद मिलनी शुरू हुई है। फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़ी सरकार की नीतियों ने करोड़ों लोगों को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बना दिया है। बिना बैंक गारंटी 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मुद्रा लोन सरकार ने, ये बहुत बड़ा काम नौजवानों के सपने पूरे करने में सार्थक काम किया है, मदद की है। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 40 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी वाले छोटे दुकानदारों को पहली बार बैंकों से मदद मिलनी संभव हुई है। आप सभी स्टेक होल्डर्स को कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कम करने, स्पीड ऑफ क्रेडिट को बढ़ाने और स्मॉल एंटरप्राइज तक तेजी से पहुंचाने के लिए भी प्रोसेस को री इंजीनियर करना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी ग्रीष्म ऋतु में गर्म मौसम के प्रति तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रधानमंत्री को अगले कुछ महीनों के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम पूर्व अनुमान और सामान्य मानसून की संभावना के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें रबी फसलों पर मौसम के प्रभाव और प्रमुख फसलों की अनुमानित उपज के बारे में भी जानकारी दी गई। सिंचाई, जल आपूर्ति, चारा और पेयजल की निगरानी के लिए जारी प्रयासों की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री को आवश्यक आपूर्ति की उपलब्धता और आपात स्थिति के लिए तैयारियों के संदर्भ में राज्यों की तैयारियों और अस्पताल अवसंरचना आदि के बारे में अवगत कराया गया। उन्हें गर्मी से संबंधित आपदाओं की तैयारी के लिए देश भर में चल रहे विभिन्न प्रयासों और शमन उपायों से भी अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि चारे और जलाशयों में पानी की उपलब्धता पर नजर रखी जाए। भारतीय खाद्य निगम को प्रतिकूल मौसम की स्थिति में अनाज का इष्टतम भंडारण सुनिश्चित करने के लिए तैयार रहने को कहा गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में श्रेष्ठता हासिल करने के लिए किसान से लेकर इंडस्ट्री सब मिलकर काम करें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और इसके तहत आने वाले संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों और उद्योगों के सम्मेलन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि ICAR ने जो अनुसंधान किया है उसका उपयोग इंडस्ट्रीज कैसे करें, एक दूसरे से पूरक होकर इसे कैसे आगे बढ़ाएं, जमीनी स्तर पर काम करने वाली इंडस्ट्रीज क्या चाहती हैं, इसका फीडबैक मिलेगा तो काम और बेहतर किया जा सकता है। दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हमारे कृषि उत्पादों की अहमियत दुनिया में बड़ी है। हमारे उत्पादों की गुणवत्ता अच्छी रहे, ये जिम्मेदारी सबकी है। इस क्षेत्र में जो कमियां हैं उन्हें भरने की आवश्यकता है। साथ ही विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करते हुए भारत कृषि क्षेत्र में श्रेष्ठता कैसे हासिल कर सकता है, उस दिशा में किसान से लेकर इंडस्ट्रीज सभी को मिलकर काम करना चाहिए। तोमर ने कहा कि अमृतकाल में ऐसे विमर्श की महत्ता और बढ़ जाती है। दुनिया की भारत से अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में हमारी सोच होनी चाहिए। दुनिया के राजनीतिक परिदृश्य पर भारत की बढ़ती हुई महत्ता को प्रतिपादित करने व इसे और मजबूत करने के लिए तथा वर्ष 2047 तक भारत विकसित देश के रूप में खड़ा हो, इस लक्ष्य की आपूर्ति के लिए हमारे विमर्श की व्यापकता एवं सार्थकता होना अत्यंत आवश्यक है। तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है, लेकिन अभी बहुत सारी चुनौतियां कृषि के समक्ष हैं, जिनकी पहचान करते हुए उनके समाधान की दिशा में काम करना व कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था को और बल देने वाला बने, इस दिशा में ज्यादा विमर्श होना चाहिए। परंपरागत कृषि से बढ़कर साथ ही लैब टू लैंड तक तकनीक का पूरा उपयोग करते हुए योजनाबद्ध ढंग से काम करने की जरूरत है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भी इस अवसर पर अपना विचार रखा। और आगे बढ़ते हैं, केंद्र सरकार ने किसानों के लिए नैनो DAP उर्वरक को मंजूरी दे दी है।
इससे किसानों को डीएपी तरल रूप में उपलब्ध हो सकेगा और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। मोदी सरकार के इस निर्णय से किसानों के जीवन में बदलाव आएगा और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को मजबूती प्रदान करने में मदद मिलेगी। देखते हैं रायपुर से ब्यूरो इनपुट के साथ ओपी यादव की ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृत संकल्पित है। इसी के तहत कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए मोदी सरकार ने नैनो यूरिया के बाद अब नैनो तरल डीएपी को बाजार में उतारने की मंजूरी दे दी है। सरकार की इस पहल का देश भर के किसानों ने स्वागत किया है। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि 500 ml की डीएपी की तरल बोतल 50 किलो खाद के बराबर है और परंपरागत डीएपी की तुलना में इसकी कीमत 10% कम है। इससे किसानों को आर्थिक रूप से फायदा होगा। केंद्र शासन ने जो नैनो डीएपी को सहमति दी है, निश्चित रूप से किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। उत्पादन डीएपी जो परंपरागत डीएपी जो किसान उपयोग करते थे, उसके उत्पादन से लेके किसानों तक पहुंचने की, जो गांव दूरस्थ गांव में पहुंचने के लिए जितना ट्रांसपोर्टेशन में खर्च होता था, वो सारी चीजें बचेंगी, बहुत बड़ी लागत बचेगी। सरकार की इस कदम को सराहनीय बताते हुए देश के किसानों ने कहा कि डीएपी अब तरल बोतल में मिलेगा तो उत्पादन की लागत कम आने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। डीएपी एक बोरी के रूप में काम आता था, हम जैसे किसानों को लाने ले जाने में बड़ी तकलीफ होती थी, अब वही डीएपी एक बोतल के साथ काम में ले सकते हैं, क्योंकि पूरे भारत में डीएपी दूसरी सबसे बड़ी उर्वरक खाद है। इसके लिए हम भारत सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। गौरतलब है कि नैनो तरल डीएपी की मंजूरी मिलना देश के किसानों के लिए न केवल एक बड़ी खुशखबरी है, बल्कि खेती किसानी की कृषि लागत को कम करने के साथ साथ अन्नदाता के जीवन को सरल बनाने की दिशा में सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण कदम भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्थक पहल से देश में नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी को मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के बाद अब डीएपी की एक बोरी की तुलना में एक बोतल न केवल महत्वपूर्ण साबित होगी, बल्कि किसानों का जीवन सरल और आसान होने के साथ साथ उन्हें उत्पादन में भी फायदा होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज दिल्ली। और भारत सरकार देश में विलुप्त होती नदियों के संरक्षण के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने राज्य में सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड का गठन किया है। राज्य सरकार ने इसके लिए 387 करोड़ का अनुमानित बजट बनाया है। सरस्वती नदी के संरक्षण के विषय पर सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। भारत में नदियों का इतिहास काफी पुराना है, सरस्वती नदी उन्हीं में से एक है और इस नदी के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए हरियाणा सरकार लगातार काम कर रही है। अभी हमारे साथ हरियाणा सरकार के सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के वाइस चेयरमैन धूमन सिंह मौजूद हैं। आइए बात करते हैं किस तरह सरस्वती नदी का उद्गम और उसका वर्तमान में जो इतिहास है उसको पुनर्जीवित करने के लिए वे क्या क्या काम कर रहे हैं। सर, सरस्वती नदी का इतिहास काफ़ी पुराना है, इसको पुनर्जीवित करने और इस धरोहर को संरक्षित करने के लिए आपका बोर्ड क्या काम कर रहा है। देखिए, इसमें कोई दोराई नहीं, सही मायने में सरस्वती एक वैदिक नदी है और ऋग्वेद की अगर मैं बात करूं, ऋग्वेद का गंगा का वर्णन ऋग्वेद में केवल 3 बार आता है और सरस्वती का वर्णन 72 बार आता है, तो कितनी प्राचीन नदी, ऐसा कोई वेद नहीं जिसमें सरस्वती का वर्णन ना हो। अम्बी तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती, यानी कि माताओं में श्रेष्ठ, देवियों में श्रेष्ठ, नदियों में श्रेष्ठ सरस्वती नदी को माना गया है। उसके पुनर्जीवन को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2015 में एक संकल्प लिया है और एक सरस्वती बोर्ड का गठन किया कि सरस्वती नदी दोबारा से इस क्षेत्र के लिए बहे, तो यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, ये फतेहाबाद, सिरसा, ऐसे यहाँ से होते हुए और राजस्थान को टच करके, राजस्थान से बीच से होते हुए उसके बाद गुजरात के रण ऑफ कच्छ में जाकर सरस्वती गिरती रही है। अभी हम सोम नदी एक हिमाचल से आती है, उसका उसके ऊपर एक डैम बनाकर उसका पानी सरस्वती नदी में आदि बद्री, जो उद्गम स्थल माना जाता है सरस्वती का, वहाँ से हम पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं। हरियाणा में कौन कौन से जिले हैं जहाँ इसका उद्गम स्थल था और अभी आप अनुसंधान और शोध कार्य कर रहे हैं इस पर? देखिए, जिला जहाँ से सरस्वती होकर निकलती है, उद्गम स्थल तो आदि बद्री यमुनानगर जिले में है जो हिमाचल के बिल्कुल बॉर्डर पर मिलता है, वहीं सोम नदी आती है। सोम नदी भी सरस्वती की ट्रिब्यूटरी है, उसी की ही शाखा है
और अगर शास्त्रों की और साइंस की भी बात करें तो यमुना भी सरस्वती की शाखा है। तो ऐसा राक्षी नदी है, चौतंग नाला है, संडोरा ड्रेन है, मारकंडा है, ये जितनी भी नदियां, बैंथन नाला है, जितनी भी नदियां हैं लगभग सूखने की कगार पे थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रोजेक्ट बनाकर इन नदियों को दोबारा से पुनर्जीवन के लिए ये सारा का सारा काम हम मिलजुल कर इस सभी जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं इन क्षेत्रों के उनसे मिलकर इनको दोबारा से पानी इनमें बहे उसके लिए हम काम कर रहे हैं। नदियों को संरक्षित करने से भविष्य में किस तरह की तस्वीर हम देखते हैं, कृषि के मामले में, जल संरक्षण के मामले में, प्राकृतिक जो संपदा उसको संरक्षित करने के मामले? देखिए, हरियाणा हरित प्रदेश है, खेती के लिए जाना जाता है, पानी है तो खेती है। तो ये प्रोजेक्ट जो सरस्वती का है, ये मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना यही है कि आने वाले समय में, क्योंकि हम भूजल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, हर साल भूजल जो है 10 से 15-20 फुट नीचे चला जाता है, वो कैसे बचे, हम उसको कैसे रोक पाएं, इसको लेकर ये सरकार प्रोजेक्ट लेकर आई है। नदियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार भी लगातार काम कर रही है, आपके इसका बजट कितना है और किस तरह इसको आगे अंजाम दिया जाएगा, कितने सालों में पूरा करने की योजना? देखिए, अभी तक 2017 में हमारी सरकार ने 387 करोड़ का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिया है। वो डैम के लिए, जो आदि बद्री में डैम बनेगा, एक बैराज वहां पर बनेगा और जमीनें भी उसमें हैं, किसानों से हमने 68 एकड़ जमीन खरीदनी है। तो सरस्वती धरोहर बोर्ड के वाइस चेयरमैन धूमन सिंह, जिनका मानना है कि राज्य में सरस्वती नदी के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए न केवल राज्य सरकार काम कर रही है बल्कि जल, जंगल और जमीन के साथ पानी की महत्ता को रेखांकित करते हुए अन्य नदियों का संरक्षण का भी प्रयास कर रही है। मेरे सहयोगी कैमरामैन राजेश, उसके साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज कुरुक्षेत्र। और सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि लगभग 275 लाख मीट्रिक टन की घरेलू खपत और लगभग 61 लाख मीट्रिक टन के निर्यात के बाद 70 लाख मीट्रिक टन चीनी का भंडार होने की उम्मीद है। मंत्रालय ने कहा है कि चीनी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं, लेकिन सरकार के नीतिगत हस्तक्षेप से घरेलू कीमतों को स्थिर रखा गया है। देश में चीनी का औसत खुदरा मूल्य लगभग 41 रुपये 50 रुपये प्रति किलोग्राम है और आने वाले महीनों में 37 से 43 रुपये प्रति किलोग्राम रहने की संभावना है। मंत्रालय ने कहा है कि कई चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है और इसके परिणाम स्वरूप किसानों को गन्ने का भुगतान समय पर किया गया है। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को चने के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान चने के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 4 मार्च को देसी चने का भाव रहा 4,550 रुपये, 6 मार्च को इसके भाव में 60 रुपये की तेजी आई और भाव जा पहुँचा 4,610 रुपये पर। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में इस दौरान चने के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 4 मार्च को चने का भाव था 4,200 रुपये, 6 मार्च को इसके सौदे 55 रुपये मजबूत होकर 4,255 रुपये पर हुए। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद मंडी में 4 मार्च को चने का भाव रहा 5,250 रुपये, 6 मार्च को इसके भाव में 150 रुपये का उठाव आया और भाव हो गया 5,400 रुपये। वहीं राज्य की ही बहराइच मंडी में शनिवार को देसी चने का भाव था 5,600 रुपये, सोमवार को इसके सौदे 10 रुपये चढ़कर 5,610 रुपये पर हुए। हालांकि गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान देसी चने के भाव स्थिर रहे। यहां 4 और 6 मार्च को देसी चना 5,800 रुपये पर बिका। घरेलू स्तर पर इस साल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन उत्पादन की तुलना में 5,08,000 टन और बीते 5 वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 31,54,000 टन अधिक है। वहीं बात चने की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर चने की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान देश में चने की उपज 136,13,000 टन होने का अनुमान जताया गया है।
कृषि उपज मंडियों में इन दिनों तिल की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो जूनागढ़, राजकोट और महोबा मंडी में तिल के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि ललितपुर मंडी में भाव स्थिर रहे। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की जूनागढ़ मंडी में 4 मार्च को सफेद तिल का भाव रहा 13,250 रुपए, 6 मार्च को इसके भाव में 670 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 12,580 रुपए। वहीं राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान काले तिल के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 4 मार्च को काले तिल का भाव था 13,250 रुपए, 6 मार्च को इसके सौदे 50 रुपए टूट कर 13,200 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश के ललितपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सफेद तिल के भाव स्थिर रहे। यहां 4 और 6 मार्च को सफेद तिल 12,650 रुपए पर बिका। वहीं महोबा मंडी में इस दौरान तिल के भाव में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 4 मार्च को तिल का भाव था 12,910 रुपए, 6 मार्च को इसके सौदों में 120 रुपए की गिरावट आई और भाव 12,790 रुपए पर आ गया। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 400,01,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20,38,000 टन अधिक है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। वहीं बात बुआई की करें तो इस साल कुल तिलहनी फसलों की बुआई निर्धारित लक्ष्य से 31,03,000 हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में हुई है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के लिए रबी तिलहनी फसलों की बुआई 109,84,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि साल 2021-22 में रबी तिलहन 102,36,000 हेक्टेयर में बोई गई थी। यानी पिछले साल की तुलना में इस साल तिलहन की बुआई 7,48,000 हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में हुई है। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। बिहार में सरसों की कटाई करें, अभी सरसों में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में सरसों में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर ले। किसान भिंडी की बुआई कर सकते हैं, यहाँ कद्दू की बुआई करते रहें। इसके साथ ही खीरा भी बोए। वहीं करेले और लौकी की बुआई करने का समय सही है। बिहार में मूंग की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। किसान आलू की खुदाई कर ले, आलू के खेत में सिंचाई अभी रोक दे। इसके अलावा मक्के के खेत की देखभाल करें। बिहार में मखाने की रुपाई कर सकते हैं, साथ ही धान की रुपाई करते रहे। झारखंड में कद्दू की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले, किसान खीरे की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। यहीं गेहूं के खेत से खरपतवार निकाले, साथ ही आलू की खुदाई करते रहे। झारखंड में धान की रुपाई करें, धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। अभी मूंग की कटाई कर ले, किसान काबुली चने की बुआई करते रहे। काबुली चने में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का इस्तेमाल करें। किसान आम के बागों में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर ले। झारखंड में करेले की बुआई कर सकते हैं। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई जनवरी से मार्च तक की जा सकती है और बरसाती फसल के लिए जून जुलाई उपयुक्त समय है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए एक हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। एक हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है,
इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और NCR के लिए है। एक हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है, इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा छिड़केंगे तो फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें, पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं खास खास खबरों पर। भारतीय नौसेना ने मध्यम क्षमता की सतह से हवा में मार्क करने वाली मिसाइल यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल को विशाखापट्टनम गाइडेड मिसाइल विध्वंसक से दागा गया। नेशनल पीपल्स पार्टी के प्रमुख कॉनराड संगमा ने लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। प्रेस्टन टाइसोंग और सिन्नियाव भालंगधर ने उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों ने शपथ ली। मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कॉनराड संगमा के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। गुजरात ATS ने भारतीय तट रक्षक के साथ एक संयुक्त अभियान में बड़ी कार्रवाई की है। भारतीय तट रक्षक ने गुजरात के अरब सागर में भारतीय सीमा में 5 चालक दल और 61 किलोग्राम नशीली पदार्थों के साथ ईरानी नाव को पकड़ा है। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत फोटो प्रभाग ने इन पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि पिछले 12 महीनों में UPI के माध्यम से भुगतान में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्ष फरवरी में दैनिक UPI लेन देन 24 करोड़ था और इस वर्ष फरवरी तक ये आंकड़ा 50% बढ़कर 36 करोड़ तक पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एक बार फिर से एशिया प्रांत क्षेत्र के सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट का पुरस्कार मिला है। एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल की ओर से इस पुरस्कार की घोषणा की गई। और देश भर में रंगों का त्यौहार होली की धूम है। काशी में कई दिनों तक होली का त्यौहार मनाया जाता है। बाजारों में भी रौनक और लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।